नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। मुंबई हमले को भारत कभी नहीं भूल सकता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26/11 की बरसी पर काठमांडू में सभी सार्क देशों से आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सभी देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ें और मिशन के साथ आगे बढ़ें। मुंबई हमले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हमें 26/11 के हमले में मारे गए लोगों की पीड़ा आज तक है, हम इस दर्द को कभी नहीं भूल सकते। न हाथ मिले न नजरे, मोदी शरीफ में बढ़ी तकरार। दक्षिण सम्मेलन में भाग लेने नेपाल पहुंचे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ के बीच तकरार थमने का नाम नहीं ले रही है। दोनों देशों में तल्खी उस समय और बढ़ गई जब सार्क सम्मेलन में नवाज शरीफ के भाषण के बाद दोनों नेताओं ने हाथ मिलाना तो दूर, एक दूसरे की ओर देखा तक नहीं। पूर्व कुलपति ने ही चुराया रिसर्च पेपर। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति दीपक पेंटल को रिसर्च पेपर चुराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, हालांकि बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। दीपक के खिलाफ यह शिकायत उनके एक साथी प्रोफेसर ने दर्ज कराई थी। अब खबर बॉलीवुड से। प्रियंका चोपड़ा हुई बेहोश। फिल्म अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा फिल्म बाजीराव मस्तानी के सेट पर शूटिंग के दौरान बेहोश हो गई। प्रियंका की हालत को देखते हुए शूटिंग 6 घंटे से भी ज़्यादा समय तक रुकी रही। सूत्रों के मुताबिक उस दिन प्रियंका काम के दबाव के चलते ठीक महसूस नहीं कर रही थी। यह घटना 21 नवंबर की है, जिसका हाल ही में खुलासा हुआ है।